नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। इससे कई इंडियन फैंस का भी दिल टूट गया है। इंडिया को इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में बहुत आसानी से हरा दिया। अब इसी मैच को लेकर पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री भी कूद गए बीच में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इंडिया की हार के ऊपर एक ट्वीट किया है, जो पाकिस्तान की अक्सर आदत है कि कुछ भी अगर इंडिया का बुरा होता है तो सबसे पहले ट्वीट जरूर करते हैं। इंडिया की हार पर तमाम दिग्गज टीम इंडिया की आलोचना भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस ट्वीट से भारत के फैंस का भी गुस्सा फूट पड़ा है। वैसे तो टीम इंडिया की हार से बौखला है, भारतीय फैंस भी अपने क्रिकेटरों को खूब कमियां गिना रहे हैं, लेकिन इसके उलट पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के ट्वीट का तजिया अंदाज भारतीय फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इसके बाद क्या था, भारतीय प्रशासकों ने शहबाज शरीफ को करा जवाब दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की हार के बाद दुनिया भर में तमाम ट्वीट्स आए। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा है, तो इस संडे मुकाबला 152 नॉट आउट बनाम 170 नॉट आउट होगा। असल में इस स्कोर लाइन के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय पाकिस्तान मैच को भी बीच में डाल दिया। गौरतलब है कि तब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से मात दी थी। दुबई में खेले गए उस मुकाबले में भारत ने अपने पहली बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 151 बनाए थे। वहीं पाकिस्तानी ओपनर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बिना आउट हुए 10 गेंद बाकी रहते ही अपनी टीम को जीत दिला दी थी। तब पाकिस्तान का फाइनल स्कोर रहा था 152 नॉट आउट। तो दूसरी तरफ इंग्लैंड के साथ मैच की बात की जाए तो इंडिया ने 168 रन बनाए थे, जिसे इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए बना लिया। तो इंग्लैंड का फाइनल स्कोर 170 बिना विकेट के रहा था। तो इस तरह संडे को फाइनल में इंग्लैंड और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में दोनों देशों के नाम ना लिखकर स्कोर लाइन लिखी है, जो भारत के लिए दर्द को बढ़ाने वाली बात है। इसी को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस का भी गुस्सा भड़क गया है। एक भारतीय क्रिकेट फैन ने तो ये तक लिख दिया कि मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी तो बना नहीं पा रहे हैं, चले हैं भारत को तंज कसने। तो दूसरे एक यूजर ने भी एक फोटो ट्वीट की है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंटवारे की बात की है, जो 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान से अलग हो गया था। एक और यूजर ने कमेंट किया है कि कभी तो काम की बात कर लिया करो कि किस देश का प्रधानमंत्री ऐसा ट्वीट करता है। इससे समझा जा सकता है कि उस देश की हालत क्या होगी। वहीं कुछ लोगों ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भारत के साथ हुए पहले मैच में पाकिस्तान की हार का भी हवाला दे दिया। पाकिस्तान को सिर्फ एक मौका चाहिए, भारत को कहीं भी अगर कुछ नुकसान होता है या कोई मैच हारता है तो उनके पॉलिटिशियन से लेके स्पोर्ट्समैन तक कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। इन्हें पहले अपने देश पे ध्यान देना चाहिए, जहां की इकोनॉमी गिरती जा रही है और पूरे देश को लोन पे चलाना पड़ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।